तो गाइस मैंने इसे निकाल दिया है जो इसमें ना बहुत ज़्यादा विटामिन और दवाइयाँ भी बनाई जा इसको हमारी लैंग्वेज में चंबू आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज देख सकते हो आपकी वेदर कैसा है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। मतलब यहाँ तो बारिश हो रही है पर हाइट में स्नोफॉल हो रही है। यहाँ 3 दिन से मौसम ख़राब है। तो ऐसे मौसम में जब गरजता है ना मौसम, तो ऐसे मौसम में ना जंगल में ना आवाज़ आ रही है, मैं बाहर आई हूँ। तो ऐसे मौसम में ना जंगल में वो पड़ते हैं, मैंने आपको दिखाया था पिछली ब्लॉग में, दिखाऊंगी। चाऊ बोलते हैं माई लैंग्वेज पर, कुछ ही बोला जाता है वैसे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, अगर इसको बेचा जाए ये इसको माला बना के सुखाने के बाद ही बिकती है। तो हम आज ना उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो 2-3 दिन से यह मौसम ख़राब था, तो जंगल में ना ये गुच्छा बहुत ज़्यादा मिलती है उस टाइम। तो आज हमने सोचा कि उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और ये बहुत कम मिलते हैं, मतलब बहुत ऐसे ढूंढने पड़ते हैं पेड़ के नीचे वगैरह। मतलब ये मशरूम भी बोला जाता है वैसे इसको। तो स्नोफॉल हो रहा है, आप देख सकते हो हमारे यहाँ। आप वेदर देख, बैक साइड ठंड होगी, जितने में गर्मी हो जाती है उतने में और मौसम ख़राब हो जाता है। तो हमने सोचा कि आज इसकी सब्ज़ी बनाई जाए। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी आज, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, और कि किस तरह से इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। मैंने पहले शायद एक बार बनाई होंगी, मैं शायद सेकेंड या थर्ड बार बना रही होंगी, मुझे याद भी नहीं है इतना, पर मैं बना रही हूँ इसकी सब्ज़ी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इतने सारे मिले हैं, ये नाइशक के चाचू को मिले हैं इतने सारे। और जब मौसम गरजता है तभी ये पड़ते हैं गुच्छी, नहीं तो नहीं। अगर बारिश हो स्नोफॉल हो तब नहीं पड़ते ये, जब मौसम गरजता है तभी इसका कनेक्शन होता है और ये ज़मीन में मिलते हैं। तो मैं तो नहीं जाती क्योंकि जंगल में होते हैं ये। तो मैं आपको बताऊंगी इसकी सब्ज़ी कैसे बनते हैं। तो मेरी फ्रेंड मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको कुछ मेरी वीडियो से सीखने को मिले। तो चलिए मैं इसकी सब्ज़ी बनाने स्टार्ट करती हूँ, शाम का टाइम हो चुका है वैसे। तो सबसे पहले इसको छाटना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा मिट्टी वगैरह है, तो उसका उसको वॉश करना होगा। और मैं इसको इसके सिंगल नहीं बनाऊंगी, इसके साथ मैं आलू बनाऊंगी, आलू और ये मिक्स करके बनाऊंगी। ज़रा ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं। तो चलिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कचरा है आपको फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको छानती हूँ। चलिए, तो गाइज मैंने गुच्छी से पत्थर निकालने और मिट्टी निकालना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको निकालना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर भी मिट्टी चली जाती है जो ये गुच्छी होती है, और इसको गर्म पानी के साथ वॉश करना पड़ता है। और इससे जो छोटे छोटे होते हैं गुच्छी, उससे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे है कोई बीच में। तो गाइस मैंने इससे सारी मिट्टी और वो निकाल दिया है जो इसमें कचरा होता है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा विटामिन होती है और इससे ना दवाइयाँ भी बनाई जाती है। और ये पहाड़ी गुच्छी, और इसको पहाड़ों में ही ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं और जगह इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ये। तो क्या इसको हमारी लैंग्वेज में चंबू आता है। आपको बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी, उसे अवॉइड कर लेना क्योंकि अनायशा खेल रही है। तो इसको ऐसे मैं वॉश करूँगी, इसको गर्म पानी से वॉश करेंगे, और इससे ये सारे इसमें मिट्टी है ना अंदर चली जाती है, इसमें वो निकल जाए बाहर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने आलू पील करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसमें आलू डालूंगी, तो मैं आलू को पील कर रही हूँ, और मैंने इसमें न्यूट्री भी ऐड की है क्योंकि न्यूट्री का भी अच्छा टेस्ट आता है। तो वो मुझे बाद में ध्यान आया कि मैं इसमें न्यूट्री भी डाल सकती हूँ, तो मैंने न्यूट्री को भी डाला। मैंने न्यूट्री को पानी में सोव करने के लिए रख दिया है। तो सब्ज़ी में
गुच्छी काटना स्टार्ट किया है, क्योंकि गुच्छी को काफ़ी टाइम हो चुका था पानी के बीच, इसीलिए मैंने इसको काटना स्टार्ट कर दिया है। जो छोटी गुच्छी है उसको मैंने 2 पीस काटे हैं, जो बड़े हैं उसको 3, और इसको अच्छे से वॉश करना है 2-3 बार, इसको अच्छे से पानी में वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको अच्छे से वॉश करना है। आप देख सकते हो इसका कलर कैसे है, इसमें थोड़ा कलर भी होता है जो गुच्छी में होता है, वो इसका कलर भी निकलता है धो के। तो गुच्छी काटने के बाद मैं आलू काटूंगी। तो गाइस मैं आलू को बड़े स्लाइस में काटूंगी, क्योंकि सब्जी में आलू बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े स्लाइस अच्छे लगते हैं, और इसको पतला पतला काटूंगी। तो आलू काटने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने अपनी सारी सब्जी कट कर दी है। तो मैंने न्यूट्री नहीं कट की, क्योंकि न्यूट्री को काफ़ी कम टाइम हुआ था पानी में, तो ये सॉफ्ट नहीं हुई थी। तो मैंने प्याज काट दिया है था, और उसका मैं 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज और थोड़ा सा लहसुन, और उसके बाद मैं सबसे पहले ऑयल डालूंगी। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा ऑयल लेती है, तो जीरा डालेंगे उसके बाद, और उसके बाद 2-3 सूखी मिर्च डालेंगे, और उसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने प्याज चॉपर में चॉप कर लिया था, आप छोटे छोटा बारीक भी काट सकते हो। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेना है, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं ड्राई मसाले ऐड करूँगी। इसको हिलाते रहना पड़ता है क्योंकि ये जल जाता है। तो उसके बाद मैं टमाटर को चॉपर की हेल्प से चॉप कर लूँगी, और उसके बाद मैंने सबसे पहले धनिया डाला 1 चम्मच, और 1.5 चम्मच हल्दी डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि मैंने लाल मिर्च पहले भी डाली थी, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है सब्जी का। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और जब थोड़ा ये मसाला पक जाए उसके बाद थोड़ा से हाथ में क्रश करके कस्तूरी मेथी डालनी है। कस्तूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मैं सभी सब्जी दाल में डालती हूँ उसको। और ये ब्राउन हो चुके हैं, और उसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को अच्छे से पकाने के बाद इसमें चॉपर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे इसमें टमाटर चिपके हुए हैं वो निकल जाए, और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी, क्योंकि जो इसमें टमाटर के पीस है वो गल जाते हैं अच्छे से। मैं पानी ऐड कर दिया है, और उसके बाद इसको अच्छे से पकाना है, और उसके बाद मैं साथ में न्यूट्री को भी निचोड़ दूँगी, क्योंकि न्यूट्री सॉफ्ट हो चुकी थी, तो मैंने न्यूट्री को भी साथ में निचोड़ दिया था। और निचोड़ने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूँगी। मैं सब्जी में दाल में पहले ही गरम मसाला ऐड कर दूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हमें न्यूट्री को कट कर दूँगी। न्यूट्री को मैं 2 पीस में करूँगी, क्योंकि न्यूट्री इस तरह से अच्छी लगती है काट के, इसमें मसाला अंदर जाता है तो अच्छा आता है टेस्ट खाने में। तो जब मैं न्यूट्री काट दी है मैंने, और उसके बाद मैं सबसे पहले आलू ऐड करूँगी सब्जी में, क्योंकि आलू थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, न्यूट्री और गुच्छी कम टाइम लेते हैं। तो मैं आलू को अच्छे से भून लूँगी इसमें, और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में, तो मैं इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनूँगी, और इसको पकाने के लिए छोड़ दूँगी। जब आलू थोड़े पक जाए तब मैं और सब्जी इसमें ऐड करूँगी। तो आलू थोड़े पक चुके हैं, तो मैंने इसमें और सब्जी ऐड कर दी है, और इसको अच्छे से पकाना है। इसको थोड़ी देर पकाना पड़ता है, 5-10 मिनट, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। तो गाइस ये पक चुकी है सब्जी, तो मैं थोड़ी देर इसको चलाऊंगी, और उसके बाद इसको इसकी फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसको मीडियम फ्लेम में पकाना पड़ता है, जिससे कढ़ाई में चिपक ना जाए। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं
वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड, मैंने सब्जी बंद कर दी है, मैं इसको निकाल दूंगी गैस से और उसके बाद मैं चपाती बनाऊंगी और मैं इसको चपाती के साथ खाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड, मेरी ये सब्जी आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल ड्राई बनती है ये। और मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।